रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत और बिलखसूस महकमे अखलियती बहबूद को कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जबकि माह मुकद्दस के आगाज को महज दो दिन बाकी है, हुकूमत ने सरकारी सतह पर आज तक जायज अजलास तलब करते हुए महकमे जात को बेहतर इंतजामात की हिदायत जारी नहीं की है। गुज़िश्ता कई सालों से ये रिवायत रही कि रमजानुल मुबारक के आगाज से एक हफ्ते कबल सरकारी सतह पर जायज अजलास मुनक़द किया जाता, जिसमें मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर्स शरीक रहा करते थे। इजलास में रियासत भर के लिए इंतजामात को खतायत दी जाती और कलेक्टर्स को हिदायत जारी की जाती। अलहदा तेलंगाना रियासत के क्याम के बाद से यह इजलास वुज़रा की सतह पर होने लगे। गुज़िश्ता साल कोरोना लॉकडाउन के सबब रमजानुल मुबारक के इंतजामात का लॉकडाउन की नजर हो गए। अब जबकि जारिया साल रमजानुल मुबारक से कबल केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, ताहम केसीआर हुकूमत ने लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ऐसे में हुकूमत की सतह पर जायजा इजलास तलब किया जा सकता था।